सूर्य किरण चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित सूर्य आय हॉस्पिटलच्या नव्या शाखेचे उद्घाटन ऐरोली येथे आमदार गणेश नाईक यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आले आहे. सूर्य आय इंटरनॅशनल सेंटर हे मुंबईच नव्हे तर नवी मुंबईमधील सर्वात मोठे डोळ्यांचे हॉस्पिटल ठरले आहे. सर्व तंत्रज्ञांनी उपयुक्त असलेले सूर्य हॉस्पिटलमध्ये 16 विविध प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करून देण्यात येतात. ब्लेडलेस कॅटरॅक्ट सर्जरी रूम हे सूर्य हॉस्पिटलचे खास वैशिष्ट्य आहे. बाहेर देशातून आणलेल्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे MD डॉक्टर विनोद गोयल आणि जय गोयल हे 37 वर्षापासून नागरिकांना सुविधा देण्याचे कार्य करीत आहेत. गणेशजी नाईक यांनी उद्घाटन प्रसंगी जय गोयल यांच्याकडून आपल्या डोळ्यांची तपासणी करून घेतली, तसेच सूर्य हॉस्पिटल आणि टीम यांच्या उत्तम कामगिरीबद्दल त्यांचे अभिनंदनही केले. रवींद्र जाधव, नवी मुंबई. वो प्रॉब्लम सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है कि जो पेशेंट्स जाते हैं, आधे से ज्यादा पेशेंट्स को समझ में नहीं आता है कि मेरे आंखों में क्या तकलीफ है. और हमने ये देखा है जब तक लोगों में समझ नहीं है तब तक वो ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं. तो उनको समझना, आंख में प्रॉब्लम क्या है समझना, उनको समझाना और उसके हिसाब से इलाज करते हैं तो पेशेंट्स को मैक्सिमम फायदा होता है. तो इस चीज के लिए जो हमारा मुलुंड में ऑलरेडी 35 इयर्स से बॉम्बेस बिगेस्ट आई हॉस्पिटल है, जहाँ पे मेरे पास रोबोटिक है, लेसिक है, कैटरैक्ट, ग्लॉकोमा, शुगर की वजह से जो लोगों को आंख में प्रॉब्लम होते हैं, वो सब चीज का जो हम पिछले 30-35 साल से कर रहे हैं वही सोच लेके हम लोग आज यहाँ पे आए हैं कि जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनको बॉम्बे, साउथ बॉम्बे, US वगैरह जाने का जरूरत नहीं है. जो वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो सब भी है, वो हम लोग सब कुछ यहाँ पे लाए हैं. और एक और चीज है कि मेरा टीम, वी आर अ टीम ऑफ 7 to 8 डॉक्टर्स, सबका अपना अपना फील्ड है. तो मेरे पास लेसिक सर्जन है, रेटिना सर्जन है, ग्लॉकोमा का कोई और है, ऐसे करके का हमारे पास हर एक स्पेशलिटी का एक अलग डॉक्टर है जो अपने फील्ड में पिछले 10-12 सालों से मिनिमम उनका काम है. तो उनको डिजीज के बारे में समझ है, उसकी वजह से हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके पेशेंट्स को प्रॉपरली हम लोग ये करते हैं, गाइडेंस दे रहे हैं. देखिए, मेरा नाम डॉक्टर विनोद आर गोयल है. मैं बीच में जब फॉरेन से लौट के आया अपनी ट्रेनिंग लेने के बाद में, तो कुछ साल मैंने कुछ महीने कहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने, बुराई नहीं कर रहा किसी की, पर जो मेरा मन था काम करने का, जिस टेक्नोलॉजी में, जिस तरीके से, जिस सहूलियत से, वो मुझे कंफर्ट नहीं लगा. मेरे जूनियर आज डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है, पर वो पोस्ट मुझे नहीं जमती थी, करके मैंने प्राइवेट की शुरू की. और ये जर्नी, ये हमारी आप जो बोलेंगे शुरुआत 1981 से हुई. वहाँ पर मेरा जो कंसल्टिंग था वो 4x6 का होता, उसमें एक पेशेंट, एक रिलेटिव उसका, एक मैं और मेरा एक डॉक्टर असिस्टेंट मुश्किल से बैठ पाते थे. और पेशेंट ने मुझे इतना प्यार दिया इतने वर्षों तक, और आज भी वही चालू है कि बेचारे जगह नहीं है बैठने का, तो खड़े हो जाएंगे, आँख का चेकअप करते हैं, आँख में ड्रॉप्स डालते हैं, तो आँख में ड्रॉप डालना है तो खड़े हैं और आँख बंद करके खड़े हुए. बारिश का सीजन आया तो आँख बंद करके खड़े हो गए, छाता लेके खड़े हैं. उससे मेरे दिल को बहुत दुख होता था हमेशा कि भाई ये जो आपने 30 रुपये पेशेंट से मांगे हैं उसने आपको दिया, 100 मांगेंगे 100 दे रहा है वो आपको, आपने मांगे नहीं पर दे रहा है वो आपको. और उसके बाद यदि उसको इज्जत से काम होता है तो मुझे ज़्यादा संतोष होता है. करके मैंने सूर्य आई हॉस्पिटल मोड में शुरू किया. वहाँ पर परिवार को बैठने की जगह, प्रॉपर चेकअप की जगह, बैठने की जगह शुरू की मैंने. एक से एक नया टेक्नोलॉजी लेके आने की कोशिश की मैंने वहाँ पर. अब वहाँ पर क्या होता था, मेरी छोटी जगह में जब मैं था तो मैंने बोला कि आपकी आंटी को फैब्रिक रेटिनोपैथी है, उनका लेजर करना पड़ेगा. मुझे तो खाली बोलना है, पर आंटी को आपको उठा के 90 ईयर की है, 80 ईयर की, उठा के बॉम्बे साइड लेके जाना उनको टैक्सी में, और ट्रेन का और टैक्सी का उन दिनों आप सोचो 30 साल पहले क्या हालत थी कि आप सुबह गए
देखिए, मेरा नाम डॉक्टर विनोद आर गोयल है। मैं बीच में जब फॉरेन से लौट के आया अपनी ट्रेनिंग लेने के बाद में, तो कुछ साल मैंने कुछ महीने कहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल काम के लिए, बुराई नहीं कर रही थी, पर जो मेरा मन था काम करने का, जिस टेक्नोलॉजी में, जिस तरीके से, जिस सहूलियत से, वो मुझे कम्फर्ट नहीं लगा। मेरे जूनियर आज डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन थे, पर वो पोस्ट मुझे नहीं लगती थी, करके मैंने प्राइवेट से शुरू किया। और ये जर्नी, ये हमारी जो बोलेंगे शुरुआत 1981 से हुई। वहाँ पर मेरा जो कंसल्टिंग था वो 4x6 का होता, उसमें एक पेशेंट, एक रिलेटिव उसका, एक मैं और मेरे एक असिस्टेंट मुश्किल से बैठ पाते थे। और पेशेंट ने मुझे इतना प्यार दिया इतने वर्षों तक, और आज भी वही चालू है कि बेचारे जगह नहीं है बैठने का, तो खड़े हो जाएंगे। आँख का चेकअप करते हैं, आँख में ड्रॉप डालते हैं, तो आँख में ड्रॉप डालना है तो खड़े हैं और आँख बंद करके खड़े हुए हैं। अब बारिश का सीजन आया तो आँख बंद करके खड़े हो गए, छाता लेके खड़े हैं। उससे मेरे दिल को बहुत दुख होता था हमेशा कि भाई ये जो आपने 20 रुपये पेशेंट से मांगे हैं उसने आपको दिया, 100 मांगेंगे 100 दे रहा है वो आपको, आपने मांगे नहीं पर दे रहा है वो आपको, और उसके बाद यदि उसको इज्जत से काम होता है तो मुझे ज़्यादा संतोष होता था। करके मैंने सूर्य आई हॉस्पिटल मोड में शुरू किया। वहाँ पर परिवार को बैठने की जगह, प्रॉपर चेकअप की जगह, बैठने की जगह शुरू की मैंने। एक से एक नया टेक्नोलॉजी लेके आने की कोशिश की मैंने वहाँ पर। अब वहाँ पर क्या होता था, मेरी छोटी जगह में जब मैं था तो मैंने बोला कि आपकी आंटी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उनका लेजर करना पड़ेगा, मुझे तो खाली बोलना है, पर आंटी को आपको उठा के 90 ईयर की है, 80 ईयर की, उठा के बॉम्बे साइड लेके जाना है उनको टैक्सी में, और ट्रेन का और टैक्सी का उन दिनों आपको तो 20 साल पहले क्या हालत थी कि आप सुबह गए। यस गुड, थैंक यू वेरी मच। उनको भी देखिएगा मेरे पिताजी की आंख में क्या तकलीफ है, ट्रांसपेरेंसी रेस्क्यू मतलब क्या है ना सर, मेरे को ना त्यांनी काय बोलला मला काय समजते, ग्लॉकोमा स्पेशल ग्लॉकोमा के लिए अवेयरनेस मार्गदर्शन ट्रीटमेंट, उसमें क्या हो सकता है, जैसे लोगों को लगता है कि भाई अगर पहले से थोड़ा सा मालूम होता है क्योंकि उनका शुगर का प्रॉब्लम है, उनको ग्लॉकोमा और ज़्यादा होता है, उनको तो और ज़्यादा होगा एब्सोल्युटली, और फिर उन लोगों को और अच्छा विजन है टाइम पे, अगर उसको ध्यान नहीं देगा तो आपका विजन चला उनको जी। Yes.